Assalamu alaikum. I'm Dr. Aisha Farhad and I'm working in Ministry of Health, Saudi Arabia. आजकल जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है इनफर्टिलिटी. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि इनफर्टिलिटी क्या है, उसकी काजेज क्या हो सकती हैं, कौन से मेल एंड फीमेल फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं. तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि कौन से टेस्ट जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं टू डायग्नोज द रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, वो ये है कि जब भी आप इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो अपने माइंड में ये चीज़ ज़रूर रखें कि ये कोई फीवर नहीं है, कोई नज़ला ज़ुकाम नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं है गले का कि जी आप गए हैं, आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह दे दी गई हैं, 5 to 7 days आपने यूज़ की और आप ठीक हो गए. इनफर्टिलिटी जो है वो एक मेरी नज़र में एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जिसके लिए बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत होती है, बहुत कोऑपरेट एक दूसरे के साथ और डॉक्टर के साथ होना चाहिए. जो आपको वो एडवाइस करें और जिस तरीके से एडवाइस करें, आपको उन मेडिकेशन को, उन इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो करना है. ये नहीं होना चाहिए कि आप 1 to 2 months जो हैं वो एक डॉक्टर के पास चली गई हैं और आपको लगा है कि जी 2 months हो गए हैं, मेरी तो प्रेगनेंसी नहीं हुई, और 3rd to 4th months में आप किसी और डॉक्टर के पास, और फिर इसी तरह जो है बहुत सारे डॉक्टर्स के पास आप जाते रहेंगे लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है मैं आपको अभी बता रही हूँ वो बिल्कुल ज़ीरो निकलेगा. सबसे पहले तो आप अपने जहन में जो है ड्यूरेशन वो एटलीस्ट 6 months, 6 months का रखें, क्योंकि जो इनफर्टिलिटी की मैनेजमेंट है वो डिफरेंट कपल्स में डिफरेंट होती है और वो आपकी डिपेंड करती है आपके साइकिल पे. मतलब कुछ ऐसी मैनेजमेंट होगी, कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन होगी जो आपको 1st month में करवाई जाएंगी और उसके बाद आपको कुछ इस तरह से ट्रीट किया जाएगा और उसका रिज़ल्ट देखने के लिए जारी बात है कि नेक्स्ट जो साइकिल है उसका इंतज़ार जो है वो करना पड़ेगा. फिर अगर कोई अच्छा रिज़ल्ट उसका अगर नहीं नज़र आ रहा तो जो मेडिकेशंस आपको दी जाती हैं उसकी डोज जो है वो बढ़ा दी जाती है. ये एक जस्ट एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ. उसी ड्यूरेशन में डॉक्टर को चेंज कर लेना, माइंड चेंज कर लेना, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करना, ये सिर्फ आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है और उसके साथ साथ जो आपका इनफर्टिलिटी का एक ड्यूरेशन है वो प्रोलॉन्ग होता रहता है. कि जैसे लोग मुझे मैसेंजर पे मैसेज करते हैं कि जी मेरी शादी को 5 years हो गए हैं, मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरे 4 years हो गए हैं, इस तरह प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन एंड नो रिज़ल्ट. उम्मीद है कि मेरी ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. तो अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक. सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि आपने एज अ कपल जाना है डॉक्टर के पास, ठीक है, नंबर वन. सेकंड नंबर पे है कि डॉक्टर जो हैं वो आपकी एक डिटेल्ड हिस्ट्री जो है वो लेंगी जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड होगी, कि साइकिल उसकी लेंथ कैसी है, ड्यूरेशन किस तरह का है, आपके जो हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, किसी किस्म की कोई साइकोलॉजिकल इलनेस वगैरह तो नहीं है, कोई आपको कोई और मेडिकल डिसऑर्डर वगैरह, थायराइड, डायबिटीज़ या इस तरह का कोई दूसरा मसला वगैरह तो नहीं है. ये एक डिटेल्ड हिस्ट्री से सब कुछ पता चल जाएगा. उसके बाद क्या है कि अगर एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ती है तो फीमेल का जो है उसी दिन में एग्जामिनेशन भी उनको कर लिया जाता है, जिसमें उनको हेड टू टोस उनको एग्जामिन किया जाता है रिगार्डिंग टू देयर हेल्थ स्टेटस, उनके वेट के लिहाज से, उनमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स एक फ़ीमेल में होती हैं वो पूरी तरह चेक की जाती हैं कि वो प्रॉपरली डिवेल्प्ड हैं. उसके बाद क्या होता है कि उनका पेल्विक एग्जामिनेशन भी और उसके साथ साथ स्पेकुलम एग्जामिनेशन भी हो जाता है. इस एग्जामिनेशन से कोई मैस वगैरह है, कोई ओवेरियन सिस्ट है या कोई फाइब्रॉइड वगैरह है. इसके अलावा स्पेकुलम एग्जामिनेशन से पूरी वेजिनल कैनाल, सर्विक्स वगैरह पूरी तरह जो है असेस हो जाता है और अगर वेजिनल कैनाल वगैरह में किसी किस्म की कोई सेप्टम है, कोई अबनॉर्मेलिटी है, कंजेनिटल एनोमलीज वगैरह, तो वो भी नोटिस में आ जाती हैं. तो इस तरह हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से जो है ख़ास तौर पे फीमेल में इन फर्स्ट विज़िट बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं.
सबसे पहले बात करते हैं फीमेल इन्वेस्टिगेशंस पे. आफ्टर एग्जामिनेशन जो है, एक जो नंबर वन पे आता है वो होता है हार्मोनल प्रोफाइल. तो कुछ हार्मोन्स हैं जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो पेशेंट को एडवाइस किए जाते हैं सेकेंड डे ऑफ साइकिल, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है FSH एंड LH. इसके अलावा भी अगर पेशेंट में कोई थायराइड या कोई और सिम्टम्स हैं तो थायराइड फंक्शन टेस्ट प्लस प्रोलैक्टिन टेस्ट जो है वो भी करवाया जाता है. और अगर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से ये सस्पेक्ट करते हैं कि हो सकता है कि इनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, जो कि एक बहुत ही मेजर काज है ये इनफर्टिलिटी की ख्वातीन में, तो उसके लिए कुछ टेस्ट जो हैं वो और बढ़ा दिए जाते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन जो है वो ऐड कर दिया जाता है. और इसके अलावा जो है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन. उसके अलावा चूंकि इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत होती है तो इंसुलिन लेवल जो है वो भी चेक किया जाता है. मोस्टली ये PCO के केसेस में जो है ये हाई होता है. ये तो थी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस. सेकंड नंबर पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है वो है अल्ट्रासाउंड. उसमें एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से जो है वो जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू शेप ऑफ द यूट्रस, और अगर कोई फाइब्रॉइड वगैरह है या कोई ओवरी, उसमें अगर कोई सिस्ट वगैरह है PCO को चेक करने के लिए, या कोई मैस वगैरह है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अल्ट्रासाउंड से मिल जाती हैं. थर्ड नंबर पे फीमेल्स का जो है वो TVS ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड जो है वो सेकेंड डे ऑफ पीरियड्स पे जो है वो किया जाता है. इसकी उनको ख़ास तौर पे एडवाइस की जाती है कि आपने ज़रूर आना है. इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये जो नंबर ऑफ फॉलिकल्स हैं वो चेक होते हैं, क्योंकि जो ही पीरियड्स स्टार्ट होते हैं साथ ही साथ जो फॉलिकल्स हैं वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, और नंबर ऑफ फॉलिकल्स हमें ये आइडिया देते हैं कि इस साइकिल में एक जो हेल्दी एग है उसके बनने के कितने चांसेस हैं. फोर्थ नंबर पे जो टेस्ट है उसे कहते हैं हिस्ट्रोसेल्पिंजियोग्राफी. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिससे हम ये पता चलाते हैं कि जो ट्यूब्स हैं वो ओपन हैं. उसके साथ साथ क्या होता है कि बाज़ औक़ात जो यूट्रस की कॉन्जेनिटल अनोमलीज हैं वो भी इस डाई के थ्रू जो है वो विजिबल हो सकती हैं. ये तो थे मोस्ट कॉमन टेस्ट जो ज़्यादातर इनफर्टिलिटी में करवाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कि करवाए तो जाते हैं लेकिन हर पेशेंट के लिए नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल के एंडोमेट्रियल बायोप्सी वगैरह जो है, कुछ पेशेंट में इसकी भी ज़रूरत पड़ती है जस्ट टू चेक कि भाई एंडोमेट्रियम में ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि सब कुछ नॉर्मल हो के भी मतलब प्रेगनेंसी जो है उसकी जो इम्प्लांटेशन है कि वो यूट्रस की इनर लेयर के साथ प्रॉपर चिपकता नहीं है, ग्रो नहीं करता फीटस, तो इसकी क्या रीज़न है. ऐसे केसेस में बायोप्सी ली जाती है. और इसके अलावा अगर हिस्ट्रोसेल्पिंजियोग्राफी के ज़रिए ट्यूब्स वगैरह का कोई प्रॉपर सही नहीं पता चल रहा, या उस पेशेंट में कोई प्रीवियस इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, कोई सर्जरी की हिस्ट्री है, तो लास्ट ऑफ ऑल जो होता है लेप्रोस्कोपी डाई टेस्ट जो है वो इन पेशेंट में किया जाता है, कि जिसमें डाई इंजेक्ट की जाती है और थ्रू लेप्रोस्कोपी थ्रू कैमरा पूरा जो रिप्रोडक्टिव फीमेल सिस्टम है उसको चेक किया जाता है, और उससे जो ट्यूब्स वगैरह हैं उनके बारे में बहुत ही क्लियर विजुअल जो है आप देख सकते होते हैं कि डाई उनमें पास हो रही है. लेकिन ये बहुत ही कम, कुछ बहुत ही ज़रूरी पेशेंट में करवाना पड़ता है. ये तो थी कुछ इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस फॉर फीमेल जो कि नॉन केस होती हैं इनफर्टिलिटी की. अब बात कर लेते हैं मेल इन्वेस्टिगेशंस पे. उसमें सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है सीमन एनालिसिस. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिंपल टेस्ट है, लेकिन इसका फ़ायदा उसी सूरत में होता है अगर ये एक बहुत ही अच्छी लैब से करवाया जाए, क्योंकि फर्दर जो मैनेजमेंट है वो डिपेंड करती है इस टेस्ट पे. इससे पता चल जाता है कि स्पर्म काउंट जो है वो कितना है, क्योंकि कम होना जो है वो रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी है. इसी तरह ये कि वो उनकी स्पर्म्स की शेप कैसी है, उनकी मोर्टेलिटी कि वो किस स्पीड से मूव करते हैं,
उनके उनमें से जिंदा स्पर्म जो हैं उनकी रेशो क्या है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें सीमेन एनालिसिस से मिलती हैं। अब क्या होता है कि अगर इसमें किसी किस्म की कोई अबनॉर्मेलिटी आ जाती है, वेदर ये कि जैसे कि नंबर ऑफ स्पर्म जो हैं वो कम हैं, तो फिर फर्दर उनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा मोस्टली देखा गया है ब्लॉकेज केसेस में। इसी तरह अगर शेप में कोई अबनॉर्मेलिटी है या मोटेलिटी में, तो ये चीज़ें जो हैं वो फर्दर इन्वेस्टिगेट की जाती हैं, क्योंकि इनकी डिफरेंट काजेस हैं और इनका वे ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो भी डिफरेंट है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि अगर कोई स्वेलिंग वगैरह की कोई हिस्ट्री है या ऑन एग्जामिनेशन जो है अगर वो मिली है, तो बाज़ औक़ात उनका जो है अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है, जिससे ये वेरिकोसील या हाइड्रोसील वगैरह तो ये भी फाइंड आउट हो जाती हैं। सो इन मेल पार्टनर मोस्टली सीमन एनालिसिस नंबर वन एंड अल्ट्रासाउंड जो है आफ्टर एग्जामिनेशन इफ़ नीडेड, ज़रूरत अगर है तो ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। अब इसके बाद जो फर्दर डायग्नोसिस बनती है उस लिहाज से मेल इनफर्टिलिटी फैक्टर को जो है वो ट्रीट किया जाता है। रिगार्डिंग टू स्पर्म मोर्टेलिटी और ओलिगोस्पर्मिया या इजोस्पर्मिया के स्पर्म कम क्यों होते हैं, या उनकी शेप क्यों अबनॉर्मल होती है, या उनकी मोर्टेलिटी क्यों कम है, ये एक चूंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि इसको एक फर्दर वीडियो में जो है वो आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो मेरा ख्याल है कि आपको आज की वीडियो से एटलीस्ट कुछ इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस के बारे में जो है वो क्लियर कट आइडिया हो गया है। और मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली अपना वक्त और पैसा जो है वो बर्बाद मत कीजिएगा। एक अच्छे डॉक्टर को फॉलो करें, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, पूरी तरह अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें, और उसके बाद जो है फर्दर रिगार्डिंग टू रीज़न उसकी ट्रीटमेंट लें। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी और आप ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। और मुझे दीजिए इजाज़त, तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में इनफर्टिलिटी से रिलेटेड किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।